ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से ईद गुजार रहे होंगे। वीडियो जो है मैं ईद की फर्स्ट डे बनाई और इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसलिए मैं इसे आज अपलोड कर रही हूँ, जो कि किस्तों में थी और इसे मैंने संभल किया। और ये ड्रेस जो मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड लेके आए चांद रात में मेरे लिए, तो मैंने सोचा इसी को पहनना है, तो मैं इससे जो है इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। इस तरह से प्रिंटेड शर्ट है और इसके अंदर लाइट येलो कलर की, इनफैक्ट मस्टर्ड कलर की ये स्लिप है। शर्ट जो है उस पर फ्लावर्स बने हुए हैं और हल्के हल्के से जो है वो मोती टाइप कोई चीज़ है इस तरह की, मुझे नाम नहीं इसका आ रहा, ये लगे हुए हैं। और इस स्लिप को बैक से इसे डबल लेयर के साथ स्टिच किया गया है और फ्रंट पे इस तरह से है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये तरह की लाइन्स बनी हुई हैं, ये फूल है। और ये इसके मैं आपको दिखाती हूँ बाजू, बाजू जो है इसके वो बेल बॉटम में है, और जो स्लिप वाला कपड़ा था वो अंदर से इसके बाजू जो है वो डबल लेयर्स में है, तो जो अंदर वाली लेयर है वो स्लिप वाले के कपड़े की है और बाहर वाली जो है वो शर्ट की है। और इस तरह से स्लिप की पाइपिंग हुई हुई है जो स्लिप का कपड़ा है इसकी, और इस पर एक बटन लगा हुआ है और ये होप्सी है जिसे कनेक्ट, ये बटन जो है वो जुड़ा हुआ है, और इसको जो है वो कट करके क्वार्टर बाजू बना के उसके साथ स्टिच कर दिया गया है। बहुत ही इजी टू वेयर है, बहुत ही जो है कि जो कपड़ा है बहुत ही कंफर्टेबल है, पहन के इंसान जो है वो कंफर्टेबल ही फील करता है, और ये इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं है, सो मौसम के हिसाब से भी ये बहुत ईजी है, ईजी टू वेयर है। इसके जो अंदर वाला आप देख रहे हैं बेल बॉटम के बाजू को पूरा जो स्लिप का कपड़ा है वो इसे सेपरेट लगा हुआ है। ये जी इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आई लव द कलर्स, और इसमें आप देख सकते हैं कि देर आर लॉट ऑफ कलर्स लाइक येलो, रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो, वाइट, ऑफ वाइट है इसमें, बहुत सारे कलर्स हैं। इसको देख के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि बस हर तरफ जैसे बाहर हो गई, ये बाहर वाले कलर्स हैं इसमें। और इसका जो स्टफ़ है बहुत ही सॉफ्ट है, तो मुझे सॉफ्ट स्टफ बहुत पसंद है पहनने में, ये ऐसा है। इसके साथ है जी ऑफ वाइट ट्राउज़र, ये मैंने इसकी पिक्चर ली थी आपसे शेयर करती हूँ, दुपट्टा है और ये शर्ट है, शर्ट जो है वो अच्छी सी है। और इसके बाद हमने की जी बारबेक्यू पार्टी, खाला के घर जाके, स्पेशल उनको ऑर्डर था कि ईद की शाम को आप ये लोग यहाँ आएँ, तो हम लोग वहाँ गए, तो मेरे कज़न ने, हस्बैंड ने और मेरे खालू ने और बाकी लड़कों ने घर के मिल के जो है वो कुकिंग का बेड़ा उठाया कि जी आज आप लोग रिलैक्स करें और हम कुकिंग करते हैं। तो उसमें उन्होंने जी बनाया खाने में यखनी पुलाव, और यखनी जो है उसमें हमने उनकी हेल्प की, हमने उनको यखनी बना के दी और बाकी सारे आगे काम उन्होंने खुद किए। यखनी बनाई और उन्होंने बाहर ओपन ऐसे जो है वो बड़ा सा देगचा चढ़ा के उसमें जी बना दिए पुलाव। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, एक तो शाम का टाइम था और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। ये जी हमने फिर बारबेक्यू के लिए मैरिनेट किया गोश्त को, और सारी चीज़ें जो थी मसाले और लहसुन अदरक पेस्ट चटनी शटनी सब कुछ बना के हमने उनको दिया, और उन्होंने जी फिर आगे जो है सीखों पे इसे लगाया, और सब ऐसे लगा के हम तो सिर्फ वीडियो बनाने वाले में से थे भाई। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि इसको अच्छे से कुक किया और इस पर उन्होंने ऑयलिंग की, ये मेरे हस्बैंड ऑयलिंग कर रहे हैं, और बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी जूसी थी ये बारबेक्यू स्टिक्स जो थी सारी। अच्छा, ये हम लोग भेज रहे थे नेबर्स के लिए जो नहीं इसमें जमा हो सके, उनके लिए हम खाना भेज रहे थे, हमने जो है वो हल्की सी वीडियो बनाई इसकी। अच्छा, स्मोक बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, उसकी जो स्मेल थी ना, उफ ना पूछे, बहुत ही ज़बरदस्त स्टनिंग थी। हर कहीं जो है ना वो बारबेक्यू की महक घूम रही थी, और वैसे भी ओपन माहौल था, बहुत ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब मज़े में थे, मज़े के माहौल में थे, इंजॉय कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, सब जितनी भी लड़कियां लड़के थे अपने अपने फ़ोन में सब टिशू 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 शुरू हुए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। इनफैक्ट हम सब ने इंजॉय किया क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टर्म हम सब लोग इकट्ठे हुए, ऐसी गैदरिंग्स जो है वो बहुत ही कम होती हैं, तो जब भी होती हैं उसको फुली इंजॉय किया जाता है, कोई नाराज़गी कोई शिकवा नहीं होता, तो सब ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। अचानक प्लान बना हमारा जाने का, सो कोई बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं किया, बस जो जो कुछ हमसे शॉर्ट टाइम में हो सका हमने वही किया। तो देख सकते हैं मून कितना ज़बरदस्त, शाम का टाइम था और चांद सर पे था, और क्या हवा थी, क्या नज़ारा था, क्या इन्जॉयमेंट थी, सच में बहुत मज़ा आया, रियली बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा।
उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने भी इसी तरह एंजॉय किया होगा। अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना इंसान को जो है वो हमेशा याद रहता है, तो आप सब लोग भी अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों सब के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें ताकि आपको वो टाइम याद रहे, एक अच्छी सी यादगार बन जाए। खाना जो होता है वो तो एक एहतमाम सा होता है, असल बात तो आपके दिलों की होती है। चटनी ये बनाई मेरी सिस्टर ने, दैट वाज यम 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 इन टेस्टी, और हमने तिकू के साथ इसे जो है वो लगाया। अच्छा खाना हम सब लोगों ने प्लेटों में डाल के खा लिया, उसके बाद मुझे याद ही, मैंने तो चावलों की वीडियो ही नहीं बनाई, तो जो मुझे प्लेट सामने नजर आई ये रायता था जो कि मैंने बनाया, ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है और सिर्फ प्लेटों की वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वो मुझसे सीन मिस हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो सेशन हुई, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, और ये कुछ पिक्स हैं, देख सकते कितनी क्रिस्पी यमी टेस्टी जूसी सी जो है वो बारबेक्यू बना हुआ है यहाँ पे। और हम लोगों ने स्पेशली जो होती है ना देसी पंखी वो भी हमने ली हुई थी, और हम साथ साथ इसको पंखा भी चला रहे थे अपने बारबेक्यू स्टिक्स पे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें जहाँ तक हो सके। अच्छा हमने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड म्यूज़िक था तो वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया क्योंकि अगर मैं लगाती तो यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट आ जाता मुझे, क्योंकि हमने फुल माहौल बनाया हुआ था, फुल म्यूज़िक था, इनफैक्ट बफर्स थे और बहुत अच्छा माहौल था, तो उसको मैं यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं कर सकी क्योंकि कॉपीराइट आ जाती मेरी वीडियो पे, तो फिर फ़ायदा नहीं था इतनी वीडियो बनाने का। तो सोचा कि जो हमारे मोबाइल ऐप है उसी की म्यूज़िक लगा दूँगी और रिकॉर्ड कर दूँगी, और जो अपना म्यूज़िक हम लोगों ने यूज़ किया था वो मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। तो आप सब लोग मुझे बताएं कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी है, कितना इन्जॉय किया, क्या कुछ हुआ, कैसी गुजरी ईद, कैसी गुजर रही है। और भी वीडियो क्लिप्स मैंने बनाए हैं वो इंशाल्लाह कल मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी आज मैं इतना ही शेयर करती हूँ। अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दें, उनका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने बुज़ुर्गों का, बड़ों का, सबको बहुत ख्याल रखें और सबकी बहुत हिफाजत करें। इस माहौल में, इस टेंशन के माहौल में इंसान को रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। सो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपनी फैमिली के लिए, सबको दुआओं में याद रखें, अच्छे जज्बात, अच्छे ख्यालात रखें और इसका इजहार करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कहूँगी अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।